अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे और ईद भी अच्छी गुजरी होगी। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज हम रेसिपी बना रहे हैं मटन पुलाव की। हमने 2 किलो गोश्त लिया है और प्याज लिए हैं, 4-5 प्याज लिए हैं बड़े साइज़ के, अगर छोटे हों तो आप ज़्यादा ले लें। टमाटर लिए हैं, हरी मिर्ची है, नमक, गर्म मसाला, हल्दी और सूखा धनिया। पंजाब में बना रही हूँ तो इसलिए लकड़ियों पे बना रही हूँ। अब भूनने पर आ गए तो इसमें मैं 1 कप ऑयल डाल दूँगी, क्योंकि हमारे 1.5 किलो चावल है तो उस हिसाब से 1 कप ऑयल पूरा डलेगा। इसको हमें अच्छी तरह भून लेना है ताकि जो प्याज वगैरह थोड़े बहुत नज़र आ रहे हैं अच्छे से खत्म हो जाए। हरी मिर्ची जो मैं साबुत होती है मैंने वो डाली थी, छोटी वाली फ्रेश फ्रेश उतार कर डाली थी। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हमारा 1.5 किलो चावल है तो उसके लिए मैंने 5 गिलास पानी डाला है। ज़्यादा क्वांटिटी में बनाऊंगी तो मैं बराबर कुछ पानी नहीं डालूंगी, थोड़ा कम ही डालूंगी वरना चावल सारे ख़राब हो जाएंगे। 5 गिलास पानी डालूंगी इसमें और 1 बॉयल आने तक चावल हैं जो पहले से मैंने भिगो के रखे हुए थे इसमें ऐड कर रही हूँ। लाल मिर्ची इसमें मैंने बिल्कुल ऐड नहीं करी, जो गरम मसाले में काली मिर्ची थी और साबुत हरी मिर्ची मैंने डाली है, उसकी वजह से इसमें अच्छा टेस्ट आ जाएगा पुलाव में। लाल मिर्ची नहीं डाली तो ज़्यादा मज़े के बनते हैं। देखिए अभी इनका पानी अच्छी तरह से सूख चुका है, अच्छे से तैयार हो गया। अब हम इसको दम पर लगा देंगे। अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में बताइए।